अब बात ग्रेटर नोएडा की करते हैं। ग्रेटर नोएडा के सुपरटेक इको विलेज वन में रहने वालों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं, क्योंकि उनकी नींद उड़ाने वाली दरार उसकी सोसाइटी के एक पिलर में आ गई है। इस दरार में लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सोसाइटी में रहने वाले लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन फौरी राहत देने के लिए बिल्डर ने टावर को सहारा देने के लिए लोहे की रॉड लगा दी है। इसके बावजूद सोसाइटी के पिलर में दरार बढ़ती जा रही है। ये सच इस आलिशान बिल्डिंग में रहने वालों का है, क्योंकि उनकी जिंदगी दांव पर लगी है। इसीलिए सोसाइटी के लोगों का बिल्डर के खिलाफ सवाल है। वो लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सुपरटेक बिल्डर और प्राधिकरण इन लोगों के सुनने को तैयार नहीं है। सच मानिए, इन दरकती दीवारों ने इको विलेज वन में रहने वाले लोगों की धड़कने बढ़ा रखी है। और यहाँ पे ये जो पिलर में क्रैक आया है, इसकी वजह से 1 फीट रोड अंदर की ओर धस गई है, जिसकी वजह से कभी भी यहाँ पे कोई बड़ी आशंका हो सकती है, घटना हो सकती है। और जब ये घटना हो जाती है, उसके बाद सुपरटेक आता है कि हाँ, हम देख रहे हैं। सुपरटेक इको विलेज वन का ये सच कितना खतरनाक है, ये दरकता पिलर टूट कर कब बिखर जाएगा किसको पता। ये लग रहा है जैसे किसी अनहोनी का बिल्डर इंतजार कर रहा है और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा। इस सच को स्वीकार करने वाला कोई नहीं। शिकायत होने पर हर कोई आता है, तमाशा देखता है और चला जाता है। चाहिए, और यहाँ पे अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो अथॉरिटी और सुपरटेक दोनों जिम्मेदार होंगे। हम सारे निवासी रोड पे खड़े हो जाएंगे, फिर आगे मत कहिएगा कि हमने क्यों ये ऐसा किया है, चक्का जाम कर देंगे। अगर लोगों की जिंदगी की चिंता होती तो फिर 3 महीने पहले की गई शिकायत पर लोगों की जिंदगी एक लोहे के रॉड के सहारे न टंगी होती। शायद यही कारण है कि लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा, क्योंकि सोसाइटी में 45 टावर है और उनमें 4,500 परिवार रहते हैं। अगर एक परिवार में 4 लोग मान ले तो सोसाइटी के अंदर करीब 18,000 लोग रहते हैं। इस सच को सुपरटेक बिल्डर जानता है, इसके बावजूद ऐसा लगता है जैसे वो देखना ही नहीं चाहता। जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 20 मंजिला इमारत है और यहाँ पे क्या कंडीशन इसकी, बिल्कुल जर्जर है। और जो यहाँ के लोग हैं, कम से कम अगर बात करें सोसाइटी में लोगों की, तो हजारों की तादाद में यहाँ लोग हैं जो कि एक रिस्क पर ही रह रहे हैं। क्या कंडीशन यहाँ पे जो है वो बिल्कुल जर्जर है। और आप देख सकते हैं कि पिलर पे, ये पिलर है, आप लोग देख सकते हैं पिलर पे समय जो पूरी बिल्डिंग है और ये ऊपर से जो रोड है ये टिकी हुई है सिर्फ पिलर पे। सच मानिए, ये सोसाइटी का हाल है। ऐसे ऊंची ऊंची इमारतों में रहने के लोग सपने देखते हैं, उसके लिए बकायदा लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी करते हैं, लेकिन बिल्डर की मनमानी ने इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों की जिंदगी को ही दांव पर लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।